ढाबे वाली गोभी मटर, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो चलिए आज बना ही लेते हैं। कल मैंने बनाई ढाबे वाली गोभी मटर, तो उसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। इसके लिए मैंने आधा किलो गोभी ली थी और उसके इस तरह से फ्लोरेट्स निकाल लिए। अब हम तेज गर्म पानी लेंगे, एक चम्मच उसमें नमक डाल देंगे, आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे और गोभी के जो हमने फ्लोरेट्स निकाले हैं उनको 5 से 7 मिनट तक के लिए डिप कर देंगे। गोभी वैसे तो बिल्कुल साफ है, लेकिन गर्म पानी और हल्दी में डुबोने के कारण इसमें से जितने भी पेस्टिसाइड्स वगैरह होंगे वो भी हट जाएंगे और साथ में थोड़ी सी नरम भी पड़ जाएगी। तो इसलिए मैंने बहुत तेज़ गर्म पानी में नमक और हल्दी डाल के इसे 5 मिनट तक डिप कर दिया। 5 मिनट बाद देखिए गोभी हल्की सी येलो हो गई है कलर में हल्दी की वजह से, और अच्छे से बिल्कुल हल्की सी सॉफ्ट पड़ गई है, 5-10%। अब हम इसको एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे अच्छे से धोकर। उसके बाद इसे मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। आधा चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, साथ में डाल देंगे हम इसके अंदर बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि गोभी ऑलरेडी थोड़ी सी इसमें हल्दी हमने पहले से डिप की थी। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के लगभग हम धनिया पाउडर और साथ में 2 से 3 चम्मच बेसन डाल देंगे और 2-3 चम्मच ही इसमें हम दही डाल देंगे। बेसन और दही डाल के एक बार आप गोभी की सब्ज़ी ट्राई कीजिए, बिल्कुल आपको ढाबे वाला फ्लेवर आएगा और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। इस तरह से मैंने 2-3 चम्मच दही डाल के अच्छे से सारे गोभी के फ्लोरेट्स को दही के अंदर और बेसन के अंदर कवर कर दिया है और इसे फिर से 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट के अंदर इसके ऊपर एक लेयर सी बन जाएगी, जिसकी वजह से हमारी गोभी जो है वो जैसे तेल में डालने पे थोड़ा ढह जाती है वो नहीं होगा। अब कढ़ाई के अंदर सिर्फ या फ्राइंग पैन में 2 चम्मच के लगभग तेल लेंगे और गोभी के सारे पीसेस जो है उनको हम इस तरह से अच्छा सुनहरा होने तक सेक लेंगे। इससे गोभी के ऊपर एक कुरकुरी सी लेयर बन जाएगी और सब्जी का दही की वजह से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बेसन भी इसको एक कंसिस्टेंसी देगा। ये देखिए सारे मैंने एक ही बार में पीस लगा दिए हैं। अब हम इनको थोड़ी थोड़ी देर बाद 2 से 3 मिनट बाद इस तरह से अलट पलट कर देंगे। नीचे से देखिए क्रिस्प गोल्डन हो गई है। इसी तरह से अब हम चारों तरफ से इसको सेक लेंगे। 5 से 6 मिनट का समय लगेगा और इस दौरान हमारी गोभी क्रिस्प तो हो ही जाएगी, साथ में ये 70% तक कुक भी हो जाएगी। बस हमें इसी तरह की गोभी चाहिए। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और गोभी को हम साइड में कर लेंगे। इस तरह आप एक बार ये गोभी की रेसिपी अपने घर ट्राई करेंगे ना, तो उसके बाद गोभी मटर जब भी बनाएंगे इसी तरह बनाने की सोचेंगे। बिल्कुल ढाबे वाली मसालेदार गोभी बनकर तैयार होगी, टेस्ट में भी परफेक्ट। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगेगी, यानी रेसिपी अच्छी लगेगी, और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को तो ज़रूर से प्रेस कीजिए, ताकि रोज़ रोज़ जो भी मैं वीडियोज़ डालूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाए। अब दूसरी कढ़ाई के अंदर मैंने 2 चम्मच तेल लिया। तेल गर्म हो गया तो आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सरसों और आधा चम्मच के लगभग ही हींग डाल दी है। हींग थोड़ी सी ज़्यादा डालिए, गोभी के अंदर इसका फ्लेवर भी आता है और गोभी थोड़ा सा बाएबाती नहीं करती। अब 1 कप छोटी कटी हुई प्याज थी उसको बारीक चॉप कर लिया, वो डाल दिया और 1 से 1.5 चम्मच तक अदरक लहसुन और हरी मिर्च इसको अच्छे से कूट कर डाला है। इसका आप हो सके तो ताज़ा पेस्ट डालने की कोशिश करें, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। रेडीमेड फ्लेवर से जो रेडीमेड पेस्ट होता है ना उसमें उतना अच्छा फ्लेवर नहीं होता। ताज़ा पीसे हुए लहसुन अदरक फ़ायदेमंद तो होते ही हैं, साथ में उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब अदरक लहसुन प्याज सब अच्छे से भून जाएंगे तो 2 टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब प्यूरी डालने के बाद हम इसे लगातार चलाएंगे और थोड़े से मसाले जो सब्जी के लिए हमारे घर की मसालेदानी में मौजूद होते हैं वो डाल देंगे। स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाल दिया, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, साथ में 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच मैंने इसमें भुना जीरा पाउडर डाला है और आधा चम्मच ही मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। आधा चम्मच हल्दी भी डाल दी है ताकि बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। ये देखिए आधा चम्मच मैंने इसमें भुना जीरा पाउडर डाला है। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर चेक करें और एक बार ये गोभी मटर की रेसिपी अपने घर ट्राई ज़रूर करें। और सब्जी को अच्छा सा बिल्कुल ढाबे वाला फ्लेवर देने के लिए मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी जो मैंने ऑलरेडी रोस्ट करके और हल्का सा क्रश करके रखी है वो डाल देंगे। कसूरी मेथी को आप एक बार रोस्ट करके डालिए, जो भी उसका कसूरी मेथी का फ्लेवर है ना वो आपकी सब्जी में डबल हो जाएगा और बिल्कुल वही ढाबे वाला टेस्ट आएगा। अब आधी कटोरी के लगभग ताजे हरे मटर थे वो डाल दिए। आप चाहे तो फ्रेश मटर का जगह फ्रोजन मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये फ्रेश मटर है तो इसलिए मैंने इन्हें थोड़ा सा पानी डाला 2 चम्मच। अच्छे से जब मसाले मिक्स हो गए और ढककर हम इन्हें 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। 4-5 मिनट के अंदर ही, क्योंकि मटर अभी बहुत कच्ची और मीठी आ रही है
तो वो गल जाएगी। और बहुत बढ़िया हमारी ये देखिए मटर जो है, पहले मैंने इसे ढक दिया और 3-4 मिनट के बाद देखिए मटर अच्छे से पक गई है। जब मटर अच्छे से पक जाएगी और ऑयल देखिए सब्ज़ी में से बिल्कुल परफेक्टली रिलीज़ हो गया है, इसका मतलब सब्ज़ी जो है मसाला बहुत अच्छे से भुना हुआ है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। और अगर पता चल रहा हो, पसंद आ रही हो सब्ज़ी, तो प्लीज़ आपकी भी अगर गोभी मटर फेवरेट हो तो अपनी पसंद की सब्ज़ी के नाम पर एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब जो हमने गोभी फ्राई करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे। अब कुछ नहीं करना, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर सब्ज़ी तैयार हो जाएगी, क्योंकि गोभी ऑलरेडी हमने फ्राई की हुई है तो वो पकी हुई है और मटर हमने पका लिए। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी। अगर आप सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं तो सिर्फ 1 चम्मच पानी डालिए। मैंने 1/4 कप पानी डाला है क्योंकि मुझे थोड़ी रसमी सी सब्ज़ी बनानी है। सूखी सब्ज़ी जो है वो दाल चावल के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है या सुबह नाश्ते में। और अगर आपको एक ही सब्ज़ी बनानी हो तो गोभी मटर की इस तरह हल्की सी रसमी सी सब्ज़ी बनाइए। बस अब अच्छे से सारे मसालों के साथ गोभी मटर को मिक्स करेंगे और इसको ढककर 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। 4-5 मिनट के अंदर हमारी गोभी अच्छे से पककर तैयार हो गई है। बस इसी स्टेज पर मैंने इसमें 1/2 चम्मच के लगभग गरम मसाला डाल दिया है और 1/2 चम्मच इसमें अमचूर पाउडर डाला है, क्योंकि गोभी की सब्ज़ी अच्छी चटपटी लगती है तो इसलिए उसमें अमचूर मसाला डालने पर बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और खूब सारा हरा धनिया डालेंगे और हमारी गोभी मटर की एकदम परफेक्ट सब्ज़ी बनकर तैयार है। स्वाद में भी लाजवाब और खाने में भी लाजवाब। आप इसे पूरी, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कीजिए, इवन होली पर बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगी। 2-3 सब्ज़ी बनती है ना होली पे, उसमें से एक सब्ज़ी को ये रखिए। बस प्याज लहसुन ना खाते हो तो उसको स्किप कर दीजिए। देखिए कितनी अच्छी और एकदम बढ़िया देखने में भी और स्वाद में भी गोभी मटर की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। पसंद आए रेसिपी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी रेसिपीज़ देखती जाए। तो चलिए अब आप सबको बाय, फिर मिलूँगी कल नई रेसिपी में। मैं रोज़ रोज़ रेसिपी डालने की कोशिश करती हूँ। प्लीज़ हेल्प कीजिए और सपोर्ट कीजिए।